केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को यूपी के विधानसभा चुनाव में 300 पार सीटों के जीत का संकल्प दिलाते हुए पूरी दमदारी से कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाकर इतिहास दोहराएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के संसदीय चुनाव की भांति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का रास्ता अख्तियार करते हुए यहां की जनता एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत की जीत सौंपने जा रही है। श्री अमित शाह शुक्रवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र दाखिला से पूर्व महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, विकास और सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया तो वहीं पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि आज उन्हें वर्ष 2013 का वह दौर याद आता है जब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यूपी का प्रभारी बनाया गया था। उस समय मीडिया के साथी कहा करते थे कि कहां भेजा जा रहा है आपको, वहां तो भाजपा डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। पर नरेंद्र मोदी के विजन, कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के समर्थन से विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर भी डबल डिजिट में नहीं आ सकी, जबकि हमने 73 संसदीय सीटें जीती। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में जब हम कहते थे कि भाजपा 300 पार तो हमारा मखौल उड़ाया जाता था, इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 300 पार के संकल्प को पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते योगी जी ने सुशासन की नींव रख दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बनाया गया था, तब भुवनेश्वर की कार्यकारिणी में मैंने कहा था इक्का दुक्का जो बचे हो वह भी साथ हो जाए, कर लो दो दो हाथ। चुनाव में महागठबंधन ढेर हुआ और भाजपा को फिर से 65 सीटें मिली। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन है, जनता भाजपा के साथ है और हम विधानसभा चुनाव में 300 पार के संकल्प को पूरा कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बना सकती है। अमित शाह ने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाने और विनम्रता पूर्वक समर्थन व सहयोग मांगने की नसीहत दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यूपी है, उत्तर प्रदेश को मोदी जी का दुलार मिलता है तो इसे योगी जी का कर्मठता की सौगात भी मिली है। मोदी जी कहा करते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। मोदी जी व योगी जी ने ना सिर्फ इस प्रदेश का विकास किया बल्कि जन जन के उत्थान में भी लगे हैं। यूपी में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर श्री शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चलते जाना जाता था, योगी जी ने इसे माफियाओं से मुक्त कराया है। माफिया या तो प्रदेश के जेलों में है, यूपी के बाहर है या फिर सपा के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची में। पहले यूपी की पुलिस माफियाओं से डरती थी, जबकि आज माफिया पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करते हैं। यह योगी जी की बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूपी की जनता उनके आतंक से मुक्त हुई है। इस दौरान सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए गृहमंत्री ने कहा, अखिलेश बाबू अब आपकी या माफियाओं के आने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा ही यूपी को सुरक्षित रख सकती है, यहाँ के लोगों का सम्मान बचाकर उन्हें जीने का और विकास के पथ पर अग्रसर होने का मौका दे सकती है, 15 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकती है। अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में पीएम मोदी द्वारा लागू जन कल्याणकारी योजनाओं का शानदार क्रियान्वयन हुआ है। केंद्र की 73 योजनाओं में उत्तर प्रदेश 1 से 5 रैंकिंग के बीच है, 45 योजनाओं में तो नंबर 1 है। यूपी में 1,73,00,000 महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 1,82,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन और 43,50,000 लोगों को पीएम आवास की सौगात भाजपा सरकार ने दी है। कोरोना पर काबू के लिए मुफ्त वैक्सीन देने में यूपी पूरे देश में अग्रणी है। यहां 15 करोड़ लोगों को 2 साल के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, जिसमें योगी जी ने खाद, तेल, दाल और नमक
को भी जोड़ दिया है। अपने संबोधन में श्री शाह ने गोरखपुर की धरा को पावन बताते हुए कहा कि गोरखपुर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोरक्षनाथ और संत कबीर की कर्म भूमि है। इस पावन भूमि पर उन्हें योगी जी का पर्चा भरवाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों ने गोरखपुर को संरक्षित करने और संवारने का काम किया है। योगी जी के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का देश के सामने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर आता जाता रहा हूँ। बीते 5 साल में सीएम योगी के कार्यकाल में गोरखपुर का सौंदर्य और इसकी जवानी निखरती ही जा रही है, जबकि इसी गोरखपुर को कभी यूपी और बिहार के माफियाओं के छिपने का स्थान माना जाता था। यहाँ जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस से प्रति वर्ष हजारों बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते थे। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने इस पर काबू पा लिया। आज इंसेफ्लाइटिस के 90% केस कम हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गोरखपुर की नई परिभाषा भी सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जी का मतलब गंगा एक्सप्रेसवे, ओ का मतलब ऑर्गेनिक खेती, आर का मतलब रोड, ए यानी एम्स, KH यानी खाद कारखाना, PU का अर्थ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और R का मतलब रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है। मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए। और मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए, हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी। मैं तो देश भर की सरकारों के काम का देखता हूं। ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता।
मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर वन है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया, उनको घर देने की योजना लाए, 82,00,000 लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा, आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबों के लिए एक योजना लाए, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे होता था तो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले गरीबों पर होता था। उन्होंने हर गरीब घर में प्रतिमाह 5 किलो अनाज 2 साल तक भेजने का निर्णय किया। योगी जी ने इसमें दलहन को भी ऐड किया, तेल भी डाल दिया, नमक भी डाला और ये सारी योजना 2 साल तक 15 करोड़ गरीबों को घर में मुफ्त खाने का सामान पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। मित्रों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको तो लगता है अच्छाई हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। मित्रों, पर्चा डालने का मुहूर्त है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं आज गोरखपुर आया हूं, इसी शहर को गोरखनाथ मंदिर के 3 पीढ़ी ने सलामती देने का भी काम किया है और संवारने का भी काम किया है। मेरा योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी से निकट का संबंध रहा, मुझे मालूम है अवैधनाथ जी ने सबको साथ लेकर किस प्रकार से समग्र समाज को एकत्रित किया जा सकता है उसका देश के सामने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। और योगी जी भी यहां से 5 बार सांसद रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी कई बार आया हूं, अभी अभी भी आया हूं, हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी दोनों बढ़ती जाती है और अच्छा दिखता है। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा, मैं कोई बता दूंगा भैया व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है, जी से गंगा एक्सप्रेस, बोलिए जी से, ओ से ऑर्गेनिक कृषि, बोलिए ओ से, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा,
सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते थे। योगी जी सांसद से जब से मुद्दा उठाया था 2014 के चुनाव में, मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया, योगी जी ने उसका सटीक जवाब दिया था। जब योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज 90% केस कम हो गए हैं, पूरे गोरख क्षेत्र को सुरक्षित किया है। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को सुरक्षित कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही माताओं बहनों का सम्मान बचाकर गौरव के साथ जीने का मौका दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब पिछड़े दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करते, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। अंत में आज गोरक्ष में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मंच से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे, विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। और आज मैं योगी जी और सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी जो नामांकन कर रहे हैं, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको बड़ी सफलता दे, यूपी की जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहे और सभी के सभी लोग प्रचंड बहुमत से विजयी बनकर बाहर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और यहां से पश्चिमी यूपी तक पहुंचे, ऐसी आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।